हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, प्रणाम, सादर नमन और अभिनंदन। भक्तों, आज हम आपको अपने यात्रा कार्यक्रम के दौरान दो भगवानों के दर्शन के द्वारा एक ऐसे मंदिर की यात्रा करवाने जा रहे हैं। वो है मंदिर की श्रेणी में अलग, अनोखा और इकलौता स्थान रखने वाला राजस्थान के भरतपुर का लक्ष्मण मंदिर। भक्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की महिमा सर्वविदित है। प्रभु श्री राम का जीवन सभी के लिए एक आदर्श है, इसीलिए उनके मंदिर हर जगह पर, हर गांव और हर शहर में है। निश्चित ही भगवान राम का त्याग और बलिदान अतुलनीय है, लेकिन वनवास काल में 14 वर्षों तक भगवान राम की परिछाई बनकर रहने वाले उनके छोटे भाई लक्ष्मण के त्याग, बलिदान, निष्ठा और भ्रातु प्रेम कम नहीं है। मानव इतिहास में लक्ष्मण का नाम अनुपम तो है ही, अद्वितीय भी है। संभवतः इसीलिए राजस्थान के भरतपुर के प्रबुद्ध और संवेदनशील लोगों ने लक्ष्मण जी का एक मंदिर बनाया है। भक्तों, भरतपुर के लक्ष्मण मंदिर के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि यह मंदिर 300 साल से भी अधिक पुराना है। इस मंदिर का निर्माण भरतपुर के राजा बलदेव सिंह ने किया था। कहा जाता है कि राजा बलदेव सिंह को एक बड़े युद्ध में जीत हासिल मिली थी। इस जीत के उपलक्ष्य में लक्ष्मण जी के परम भक्त ऋषि संत दास ने राजा बलदेव सिंह से लक्ष्मण जी का एक मंदिर बनवाने का आग्रह किया। तत्पश्चात राजा ने इस मंदिर के निर्माण की नींव रखी और अपने बेटे बलवंत सिंह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। अतः इस मंदिर का निर्माण कार्य विक्रम संवत 1870 में महाराजा बलवंत सिंह के शासन में पूर्ण हुआ। इस मंदिर में प्रधान देवता के रूप में भगवान राम के अनुज लक्ष्मण जी और उनकी पत्नी उर्मिला जी विराजमान हैं। मंदिर बनवाने के बाद राजा नियमित इस मंदिर में आते थे, भगवान का दर्शन करते थे तथा पूजा अर्चना किया करते थे। भक्तों, भरतपुर का लक्ष्मण मंदिर वास्तुकला के दृष्टिकोण से अभूतपूर्व व अद्भुत है। मंदिर के शुरुआती हिस्से की सजावट बहुत ही खूबसूरत है। मंदिर के विशाल जगमोहन की दीवारों और छतों पर फूलों, पत्तियों, वनस्पतियों और पशु पक्षियों की नक्काशियां तथा चित्रकारियां मंदिर को अप्रतिम सौंदर्य प्रदान करती है। मंदिर के स्तंभों पर शेषनाग के फन, नक्काशी, मूर्तिकला उत्कृष्ट उदाहरण है। इस मंदिर का निर्माण पूर्ण रूपेण राजस्थानी शैली में किया गया है। संगमरमर तथा बंसी फडपुर से लाए बादाम रंग के रेतीले पत्थरों से निर्मित इस मंदिर का वास्तु संयोजन मनोहर और मनभावन है। भक्तों, भरतपुर के लक्ष्मण मंदिर में लक्ष्मण जी और उनकी पत्नी उर्मिला के मूर्ति प्रतिष्ठित है। इनके अतिरिक्त भगवान श्री राम, भैया भरत, शत्रुघ्न और संकट मोचन हनुमान जी की मूर्तियां प्रतिष्ठित हैं। ये सभी मूर्तियां अष्टधातु निर्मित हैं, जिसके कारण यहां आने वाले सभी यात्रियों, श्रद्धालुओं और पर्यटकों का ध्यान इन मूर्तियों की तरफ बरबस ही आकर्षित हो जाता है। भक्तों, अगर आप भी भरतपुर स्थित लक्ष्मण मंदिर में भगवान के अनुज भैया लक्ष्मण और देवी उर्मिला के दर्शन, पूजन और उनकी कृपा प्राप्त करने की अभिलाषा रखते हैं, तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा के अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम।